अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमैया कासर और मेरे वालिद का नाम है सैयद कासर शाह। मत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, नहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। यही है इबादत, यही है दीन और ईमान, काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। जनाबे वाला, सुनने में तो ये अल्फाज नहायत ही सहर अंगेज और हक पर मबनी नजर आते हैं, मगर जनाबे वाला, हमारी अमली जिंदगी में इनकी कोई खास जगह नजर नहीं आती। अगर दौरे हाजिर पर निगाह दौड़ाए तो जगह जगह एनजीओस, एनपीओस और सीबीओस काम करती नजर आती हैं। का एक ही मकसद इंसानी फलाह बहबूद है, मगर फिर भी इंसान भूखा, लाचार, बेरोजगार और परेशानी का शिकार नजर आता है। जनाबे वाला, कुरान पाक में सूरह बनी इसराइल में अल्लाह तबारकुल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि यकीनन हमने औलादे आलम को पूरी इज्जत दी, तो फिर भी इंसान इतना बेबस क्यों है? अगर हर तरफ इंसानियत का प्रचार है, मगर फिर भी मसाइल ही मसाइल है। गोया ये कहना बजा ना होगा कि हम इंसानी इमदाद के नाम पर दुनियावी सहूलियात को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज़कात और सदका दिल और नेक नियति से अदा नहीं करते। जनाब सद, ज़रूरत तो इस अमर की है कि हम इखलास और नेक नियति से बनो इंसानों की मदद और खिदमत करें। इकबाल क्या खूब कहते हैं, लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। जनाबे वाला, मोहसिन इंसानियत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि गरीबों, यतीमों और बेगमों की हर तरह से मदद करते थे। इसी तरह अब्दुल सत्तार एदी, जो कि खिदमत खल्क के कामों में पेश नज़र आते थे। साथ ही साथ नाबीना अफराद ने भी इंसानी इमदाद के लिए नाकाबिल फरामोश कारनामे सर अंजाम दिए, जिनमें से मैं एक नाबीना खातून सलमा अम्मार का जिक्र करती चलूं, जिन्होंने नाबीना अफराद के लिए एक लाइब्रेरी कायम की। कि मोहम्मद से वफा तूने तो तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोग कदम तेरे हैं।